हे हेलो एंड वेलकम बैक इन फोर्जा होराइज़न 4। पिछली वाली गाड़ी मैंने ली थी ना, अपनी वॉक्स वैगन या जी वैगन क्या बोल सकते हैं, वॉक्स वैगन नहीं अपना जी वैगन है, क्योंकि ये है अपने लेम्बोर्गिनी। लेम्बोर्गिनी नहीं है बे, ये अपना क्या कह सकते हैं, मर्सिडीज। मर्सिडीज की है, मेरे को लग रहा है मैंने थोड़े सस्ते नस्से कर लिए है। चलो आज के बाद ना ऐसा कुछ बोलने का ही नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, घर अपना घर के पास में ही है ना। कहाँ पर है ये रहा, सबसे पास वाली रेस करते हैं ना यार। इतनी दूर है, बहुत पास है, दूर भी नहीं है। ये देखो अपने पैरों के पीछे ही यार रेस है, तो इसी रेस में पार्टिसिपेंट करना है। अभी तो मेरे को कोऑप में तो जा भी नहीं पाऊंगा, और यहाँ पे विंटर सीजन ख़त्म हुआ है, तो सबसे तेज़ गाड़ी कौन सी है वही ले जाएंगे। अपने पास 7.8 ओके कैमरे हो और ईट, अपने पास बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी है लैम्बर्गिनी। लैम्बर्गिनी यहाँ पे कैसी जाएगी, क्योंकि देखना पड़ेगा। पिछली बार ना जो लैम्बर्गिनी हम लेके घूम रहे थे वो विंटर के लिए नहीं थी। अभी देखते हैं विंटर के बाद इस समर में, मतलब गर्मियों के सीज़न में कैसे काम करती है। अगर लैम्बर्गिनी अपनी ठीक से परफॉर्म नहीं की रही ना, तो दिक्कत वाली बात है। 9107 हर गाड़ी का नंबर यही आएगा, नोट करके रख लेना आप लोग। तो आप लोग बताइए क्या ये सीरीज़ मज़ेदार है, क्योंकि ये सीरीज़ के बाद अगर मेरा मन किया ना तो फोर्ज़ा होराइज़न 5 भी मैं खेल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है। ये तो परचेज़ की हुई थी मेरे पास और ये सस्ते में मिल गई थी। फोर्ज़ा होराइज़न 5 अगर सस्ते में मिले ना, तो मैं ज़रूर से ख़रीदने की ट्राई करूँगा, और उसके बाद उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फ़िलहाल के लिए अर्निंग का सोर्स कुछ है नहीं मेरे पास, और इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादातर गेम ला नहीं पा रहा। तकलीफ़ की बात यही है, और कुछ नहीं है दिक्कत। माफिया माफिया ट्रिलोजी का गेम प्ले मैं लाना चाहता हूँ, लेकिन ला नहीं पाऊँगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो भी बहुत महंगी है और बहुत सारी गेम्स है जो कि मेरे को खेलना है पर्सनली, लेकिन मैं खेल नहीं पाऊँगा, क्योंकि ना ही वही है बजट, अपना बजट ही नहीं है गेम खरीदने का। सिमुलेशन गेम हो तो कुछ भी कर लूँगा मैं, लेकिन ये सब गाड़ी ना, गाड़ी वाली गेम खरीद ही नहीं पाऊँगा मैं। भाई साहब रिटर्न करो, तकलीफ़ की बात तो यही है कि मैं नूबगिरी छोड़ता नहीं हूँ। हर बार रिवाइंड किया, हर बार मैं पीछे गया हूँ, हर बार पीछे गया। चलो इसको भी ले लूँगा मैं, अच्छी बात है। अरे 10वें नंबर पे कौन रहता है, मैं 11वें नंबर पे आ गया अब। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे को लगा एनपीसी ठुकेंगे नहीं, लेकिन एनपीसी भी ठुक रहे हैं दूसरे एनपीसी के साथ, अच्छी बात है। प्लेएबल कैरेक्टर, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर, और यहाँ पे गाड़ी को काबू नहीं कर सकता भाई। जब तक ना एक अच्छी वाली गाड़ी ना आ जाए, तब तक मेरे को डिफ़िकल्टी लो ही रखनी पड़ेगी। कम से कम लो डिफ़िकल्टी में फर्स्ट आऊँगा ना, तो हाई डिफ़िकल्टी में लास्ट आऊँगा, उससे तो अच्छे पैसे मिलेंगे ऐसा मेरा मानना है। मेरे को एक्चुअली पता भी नहीं है कितने पैसे मिलेंगे मेरे को, लेकिन मैं यहाँ पे 8 पोजीशन पे हूँ और अपना 50% हो चुका है रेस कंप्लीट। मेरे को नहीं लगता मैं उन लोगों को पकड़ भी पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे अपनी स्पीड ही बहुत कम है। सीधे रास्ते पे ठीक है, मोड़ वोड़ आएगा ना तो अपनी हालत पतली हो जाएगी। वैसे दिखाया हुआ है, और भाई साहब इन लोगों के पास भी सुपर कार्स है। अपन लोग सुपर कार लाएंगे ना, तो ये लोग भी सुपर कार लाएंगे, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता ये गेम का मैकेनिज्म क्या है, लेकिन अपने पास जो सुपर कार होगी तो उनके पास भी सुपर कार ज़रूर होगी। कहाँ से भी लाएंगे वो उनको नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, पर ये लोग ज़रूर लाएंगे सुपर कार। ओह हेलो, डैमेज दे दिया मैंने। नाइस, चेक पॉइंट बहुत दूर है। ओके काफ़ी ज़्यादा डरावनी रेस चल रही है। हाँ हाँ ओह नहीं 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 मैं गिनने वाला हूँ। ख़त्म ख़त्म भाई ख़त्म, मैं तो टूट गया। मेरे को आवाज़ थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। फिनिश, और मैं यहाँ पे बेकार ड्राइवर तरीके से आ चुका हूँ। 6 या 7th प्लेस, 7th प्लेस पे आया हूँ मैं। हाँ 7th पे आया ना, दिखाओ तो सही कौन से प्लेस पे। शायद से 5th प्लेस पे आया था, जल्दी से देखा भी नहीं। लेम्बर्गिनी के नाम पे ये धब्बा है गाड़ी,
दूसरी रेस कहाँ पर? ओ यहाँ पे है बाना हाउस, मेरे को जाना चाहिए बाना हाउस को ढूंढने के लिए जल्दी से। पिछले वाले गेम प्ले वीडियो में भी मैं बाना हाउस को ढूंढने निकला था लेकिन मेरे को मिला ही नहीं। ओ भाई बाजू में क्या ही है, ग्राउंड, वहाँ पे क्या ओपी वाला थंबनेल बन सकता है। अपनी रेस बहुत सारी मैंने कंप्लीट तो कर ही ली है। ओके ओके इजी, टेक इट इजी मैन। बहुत दूर जाना है, अभी 1-2 किलोमीटर जाना है। माइल्स में आ रहा है कि किलोमीटर? किलोमीटर में आ रहा है, 900 मीटर पे जाना है अभी। हाँ हाँ शॉर्टकट ले लेता हूँ मैं। हेलो, ओ भाई साहब मज़ा आया यार, रेड गियर का कंट्रोलर काफ़ी बढ़िया है। अब यहाँ पे मेरे को बाना हाउस ढूँढना है, आसपास ढूँढ लेता हूँ, जहाँ पे भी मिले जल्दी से आपको अपडेट दे देता हूँ। ओ भाई साहब पानी में चलाने का अलग ही एक्सपीरियंस है, पानी में डूबा नहीं ना, अच्छी बात है ये, डूब जाता तो ख़त्म हो जाता मेरे को लग रहा है। ओ भाई साहब ओके, ये घर कैसा है? ये बाना हाउस तो बिल्कुल भी नहीं है, जो भी है आसपास ढूंढना पड़ेगा। जंगल के बीच मिलेगा अपने को बाना हाउस, उसमें गाड़ी मिलेगी ना वो फ्री में मिलेगी मतलब, तो अपने को बहुत ज़्यादा काम आएगी ये। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही तालाब तालाब बना के रखे हैं, गेम है कि पूरा तालाब बन के रखा है यार। ओके मैंने वैसे माइक मंगा लिया है अपने मतलब वीडियोस वगैरह के लिए, पता नहीं। ओह ये शायद से पानी के ऊपर तैर रही है, हाँ तैर रही है, अगर मैं स्टॉप करूँगा तो ये डूब जाएगी गाड़ी, ऐसा मेरा मानना है, इसीलिए मैंने ना स्टॉप ही नहीं किया। पूरे एरिया को मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ जल्दी से। ओके तो गाइस मेरे को लग रहा है ये अपने को बाण हाउस मिल चुका है, बहुत खोजा मैंने भाई, पहला बाण हाउस मेरे को मिल गया है। ओके ठीक है जल्दी से आ जाओ भाई लोग, मेरे को चाहिए अंदर की गाड़ी, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार और बागबान क्या बोल सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार होगी। कौन सी गाड़ी है? ओके ये कोई पुरानी गाड़ी है जिसको ठीक करने के लिए ये लोग ले जाएंगे, उसके बाद ये अपने गैराज में आ जाएगी शायद से मेरे को तो। अच्छा ठीक है, अभी तो मेरे को बहुत सारे बाना हाउस ढूंढने हैं, आप लोग इंजॉय करिए, और इंजॉय करेंगे तो ज़रूर से एक लाइक मार देना। अब दूसरी जगह पे चलते हैं जहाँ पे अपने को दूसरा बाना हाउस मिलेगा। ये रहे, यहाँ पे ना पिछली बार मेरे को कुछ नहीं मिला था, लेकिन अब की बार ज़रूर से कुछ ना कुछ मिलेगा, जल्दी से मैं ढूंढ लेता हूँ। ओके ठीक है चलो जल्दी से लोकेशन पे जाता हूँ, दोनों जगह ना पे ना मैं जल्दी से ढूंढने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि वो बहुत दूर है, तो शॉर्टकट लेके चलते हैं, और जल्दी से मैं वहाँ पहुँच के ना आप सभी लोगों को दिखाता हूँ कि अपने को कौन सी दूसरी गाड़ी मिलती है। दो गाड़ी मिलेगी ज़रूर, क्योंकि दो बाना हाउस है ना इसीलिए। ओ भाई साहब क्या फ्लिप मारी, ऐसा मेरे को लगा था, लेकिन ये फ्लिप नहीं थी, फ्लिप तो बिल्कुल भी नहीं थी। ओके स्पीड कम थी अपनी, वरना यहाँ पे बहुत दूर तक मैं जा सकता था। हाँ हाँ ओके ओ भाई साहब बहुत जोर की लगी, ऊपर चलना है अपने को। लैम्बोर्गिनी को मैंने बाइक बना के रखा है, ऐसे ले जा रहा हूँ ना ऐसे ऐसे जगह से जहाँ से लैम्बोर्गिनी जा ही नहीं पाएगी। और लैम्बोर्गिनी की अपनी लैम्बोर्गिनी की हालत बहुत ही बेकार हो चुकी है। और मैं यहाँ पे गलत रास्ते पे आ गया था, वाह। ओके
तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे ना पहाड़ के ऊपर से मेरे को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ के ऊपर मेरे को ज़्यादा लग रहा है कि चांसेस होंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं जाएगा। लेकिन मैं जाऊँगा देखने के लिए कि मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी बर्न हाउस। ओह ओके नाइस, क्या यही है बर्न हाउस? नाइस, बहुत ही बढ़िया, दूसरा बर्न हाउस भी मिल गया मेरे को। ओके ठीक है, ये कौन सी गाड़ी है भाई साहब? इस बार अच्छा हुआ कि मैंने ऊपर से ही स्टार्ट किया, मेरे को लगा था मैं ऊपर आऊँगा ना, अगर ऊपर नहीं भी रहेगा तो ऊपर से हम देख सकते हैं कि ऊपर से कहाँ पर है बर्न हाउस, पर शायद से ऊपर से भी देखता थोड़ा बहुत रेंडर होता, और जो रेंडर के बाहर है ना वो मैं देख नहीं पाता, ऐसा मेरे को लग रहा है। चलो चलो चलो, ओके ठीक है, अब दूसरा नहीं तीसरे बर्न हाउस की तरफ चलते हैं। और गाड़ी का खस्ता खस्ता हो गया, गाड़ी की तो भाई साहब मैंने हालत बिगाड़ दी है, ऐसे में जा पाऊंगा या गाड़ी अपनी बच पाएगी क्या? ओके नहीं बच पाएगी, खत्म है गाड़ी, खत्म है गाड़ी अपनी। सबसे पहले अपनी लोकेशन पे तो जाते हैं, बाद में देख लेंगे जो भी होगा वो। ओके तो यहाँ पे कोने में छुपा हुआ था, बहुत दिमाग लगाना पड़ा जैसे तैसे मेरे को दिख गया। ओह ये कौन सी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी, नाम तो बताओ, मेरे को थोड़ी ना पता है यार, मैं तो नूब हूँ। मेरे को ये ओके, ब्रिटिश डिजाइन की मास्टरपीस है ये, नाइस। सही में चलिए, इसे ठीक हो जाए तो मज़ा आ जाए। ये गाड़ी में कहाँ से गाड़ी ले सकता हूँ अपनी गाड़ी? कार्स पर जाना पड़ेगा मेरे को, ये रही। और यहाँ पे कार मास्टरी में मेरे को नहीं जाने का है, अपने पास माई कार पे जाते हैं। जो नई गाड़ी आई है अभी, ये है क्या? यही यही वाली नई गाड़ी थी ना, लेनी पड़ेगी मेरे को, ऐसा है? ओके तो ये सारी गाड़ी मेरे को लेनी पड़ेगी ना, लेनी तो नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्यों बाइक का ऑप्शन आ रहा है? गेट इन कार, ओके। स्पीड 6.2, और ये नहीं है उसमें 6.8, 5.9, ओके वैसे ठीक ही है, ना तगड़ा वाला वो भी नहीं है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी फोर्ड ओपी है यार, जो भी हो कंट्रोल के मामले में भी और स्पीड के मामले में भी। मैं नई गाड़ी लेने की ट्राई करता हूँ अभी, नई गाड़ी मेरे को लेनी है, लेकिन मैं लूँ कहाँ से? ओके सबसे पास में है, सबसे पास वाला मिशन पे ही चलते हैं। चलो सबसे पास वाला मिशन यही हुए है ना, इधर से ही चलते हैं, शॉर्टकट लेके। लेट्स गो ब्रदर, लेट्स गो। 2.8 किलोमीटर पे है, जल्दी से पहुंचना है। 2.8 किलोमीटर पे तो नहीं, 2 किलोमीटर में ही मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि शॉर्टकट लेके आया हूँ ना। 2.8 क्या, जल्दी से पहुंच जाऊंगा। 600 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर और 100 मीटर। अब नहीं, ये नहीं टूटा, चलो अच्छी बात है। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे इतनी पक्की है कि वो टूटती ही नहीं है। लेट्स गो स्टार्ट, सोलो सोलो ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है। होराइजन, अरे दूसरी गाड़ी मेरे को चाहिए यार, ये लैम्बोर्गिनी ना नाक डुबा देगी। NSX, ओके स्पीड भी बहुत तगड़ी वाली है। और पैसे कितने हैं अपने पास? 4 लाख तो है, सारी गाड़ी में ले सकता हूँ। ऑडी की गाड़ी देखो क्या भाई साहब, और ये कौन सी है? BMW, BMW की ये कौन सी गाड़ी है यार, बहुत तगड़ी वाली है। जैसे ही पैसे आएंगे ना मेरे को लेना है फेरारी, फेरारी लेनी है मेरे को, फेरारी। स्पीड तगड़ी है, लेकिन यहाँ पे हैंडलिंग वगैरह ना दिक्कत वाले काम है। 8.5 की ही लेते हैं, चलो देख लेता हूँ अगर ले पाऊंगा। ये फरारी, फरारी का कलर्स कौन सा रखूँ मैं? फरारी ब्लू में अच्छी लगेगी क्या? पीछे चलो पीछे चलो, नॉर्मल मैन्युफैक्चर कलर के नॉर्मल। यहाँ पे मैं कौन सी ले सकता हूँ अपने लिए? ब्लू कलर की लेते हूँ ये, क्योंकि ब्लू कलर की गाड़ी है ही नहीं अपने पास, ज़्यादा भड़कीला नहीं, ये वाला ब्लू लेता हूँ, यही लेना है मेरे को। बाय दिस कार,
ठीक है, सेविंग कंटेंट, प्लीज डू नॉट टर्न ऑफ योर डिवाइस। अरे ठीक है, मैं नहीं करूँगा, नहीं लाइट जाएगी तो ये ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाएगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी मैंने ले ली है ब्लू कलर की, बहुत ही मज़ेदार है। सबसे पहले नॉर्मल वाली स्पीड देख लेते हूँ कितनी स्पीड में जाएगी ये गाड़ी। अरे भाई लोग देखो मेरी नई गाड़ी, लैम्बोर्गिनी नहीं अपनी है ये फरारी। फरारी और लैम्बोर्गिनी में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, माफ़ कीजिएगा, लेकिन अब अपने पास आ चुकी है लेजेंडरी लैम्बोर्गिनी के ऊपर वाली। लेट्स गो, स्टार्ट करता हूँ। फरारी 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 स्पीड में ये हार गया ना भाई, ख़त्म हो जाएगा, ट्यून अप करना ही पड़ेगा। मैं सुपर कार लेके आता हूँ तो ये लोग भी सुपर कार लेके आते हैं, जो कि मेरे को बहुत ही गलत लगता है यार। स्पीड यहाँ पे कम होगी अपनी, स्पीड भले ही कम होती जाएगी। ओके नाइस नाइस, चेक पॉइंट ले लिया है ना, मैंने ले ही लिया है शायद से। लेट्स गो, कितने लैप्स लैप्स वाली है ना, तीन लैप है। तीन लैप में मैं क्या इनको हरा पाऊँगा? मेरे को लगता नहीं है मैं हरा पाऊँगा, नई रेस है ये। और यहाँ पे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है ऐसा लग रहा है, एक लैप में कम से कम 2 से 2.5 मिनट। ओके ये वाला रास्ता क्यों, नहीं 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 वैसे भी कुछ कुछ रास्ते तो ऐसे होते हैं जो रिपीट ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो वाले सब ना रास्ते ऐसे ही है। और इसकी ब्रेक ना, ब्रेक में दिक्कत है शायद से। ये रैली रेस के लिए अच्छी रहेगी ना, ये रैली रेस तो नहीं है ना लैप वाली। अरे नहीं यार, फोर्थ से मैं फिफ्थ, यार फिफ्थ से मैं डायरेक्ट लास्ट, यार गलत बात है। ये रास्ता ना, रास्ता तो सही है, गाड़ी में ही दम नहीं है, या तो फिर मेरे में दम नहीं है। देखो शायद से थोड़ी फोर्ड ही लेके आनी थी यार, फोर्ड इज़ द बेस्ट गाड़ी। लैप इन सबको मैं हरा पाऊंगा क्या? एक को तो मैंने जैसे तैसे हरा दिया है, पर इन सबको हराना मुश्किल है भाई साहब, बहुत ज़्यादा जा रहे हैं यार। मेरे को ट्यून अप करके ये गाड़ी को ना तगड़े वाले लेवल पे लाना पड़ेगा, तभी जगह अपना कुछ काम होगा, वरना मैं नूब की तरह खेलता रह जाऊंगा और यहाँ पर मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये लोग ना एनपीसी बंदे बहुत तेज जाएंगे और यहाँ पे मेरा नाक डुबा दिया इन लोगों ने, सच में डुबा दिया यार भाई साहब। मेरे को तेज़ जाने के चक्कर में यहाँ पर पूरा बेकाबू हो गया है, ये इसका हैंडलिंग ना बहुत बेकार है। मेरे को शायद से कंट्रोलर की सेंसिटिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके मैं कुछ कर पाऊँगा ऐसा लग रहा है। कंट्रोलर गया तेल लेने, अब जाऊँगा मैं कीबोर्ड माउस से खेलने। वाह क्या राइमिंग बना दी ना, कंट्रोलर जाएगा तेल लेने, मैं खेलूँगा कीबोर्ड माउस से। ओके नाइस नाइस, ओके ठीक है, धीरे धीरे करके यहाँ पे जाएंगे। लेकिन नई गाड़ी तो नई गाड़ी होती है, चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, अपनी नई गाड़ी में मज़ा तो आया, मज़ा तो ज़रूर से आया है। लैप्स तो तीसरा ये ख़त्म होगा और इसी के साथ अपना चैलेंज भी ख़त्म होगा और मैं नूब की तरह हार जाऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को शायद से अभी ना कीबोर्ड माउस से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसी में मैं प्रो बन रहा हूँ। ये कंट्रोलर का ना काम अपने को ड्रैगन बॉल जी में ही चाहिए था, और अभी क्रू 2 का भी मैं गेम प्ले लाऊंगा, क्योंकि क्रू 2 मैंने ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद इंस्टॉल करके खेला ही नहीं है। पहले मैंने उसका रिकॉर्डिंग लाया था और किया भी था शायद से, और चेक पॉइंट मिस हो गया और ख़त्म हो गया। चलो लगाया था मेरे को चेक पॉइंट मिस हो जाएगा तो ख़त्म हो जाऊँगा, अब क्या यार पछताना, लास्ट मोमेंट का लास्ट चेक पॉइंट मैंने मिस कर दिया। बोलो फेरारी का भी यार नाम दुबा दिया तुमने, नो वन। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोगों ने 1 मिनट के अंदर लैप ख़त्म किए थे भाई, मैं 1 मिनट 3 सेकंड, वैसे मैं भी ज़्यादा कर सकता था। तो गाइस फिलहाल के लिए गेम क्रैश हो चुके हैं, इसलिए मैं गेम को एंड यहीं पे करता हूँ। मैं मिलता हूँ ऐसे ही मज़ेदार नेक्स्ट वाले गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी द नेक्स्ट ओके वाले गेम प्ले वीडियो। I'm